सियासत कर्नाटक के शहर गुलबर्गा के एनवी डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट डिग्री कॉलेज में असाज़ा व तलबा की जानिब से मिट्टी के गणेश बनाए जा रहे हैं और केमिकल से पाक और प्लास्टिक फ्री गणेश की मूर्तियां बनाने के लिए बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। चार साल से हम गणपति का त्यौहार के मौके में हम क्या गणेश बना रहे, बच्चों को लेके हम मिट्टी से बनाते हम गणपति, और वो मिट्टी से बना के जितने भी गणपति सेल हो जाते हैं वो बच्चों को हमारा डिपार्टमेंट जितने गरीब बच्चे आते हैं उसको उसके फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे को क्या होता है दूसरे दूसरे आर्टिस्ट को बुला के बच्चों को सिखाने के लिए तीन चार साल से हम वही करते आ रहे हैं। गणपति के त्यौहार में केमिकल प्लास्टिक और सीमेंट से तैयार की गई गणेश की मूर्तियों से तालाबों और नदियों में विसर्जन करने पर आलूदगी पैदा होती है जिससे नदी और तालाबों में पल रही मछलियां और जानदार मर रहे हैं। करीब हम चार साल से ये परिसर मालिन्य गणपति का जो वर्कशॉप है हम कर रहे हैं, इससे हमारे कॉलेज के बहुत सारे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और तमाम गुलबर्ग के जो लेडीज वगैरह है इसमें इन्वॉल्व वगैरह होते हैं और बहुत सारे वर्क बनते हैं इधर। मिनिमम 300 से 400 वर्क से इधर गणेश से बनते हैं। इसलिए हम क्या है मिट्टी का ये जो गणपति बनाते ना, सभी लोग गुलबर्ग के सभी लोगों को रिक्वेस्ट है, हमारे फाइन आर्ट डिपार्टमेंट से है और गुलबर्ग के तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस छोड़कर आप मिट्टी का एक गणेश अपने घर में रखें। लेक्चरर नागराज ने बताया कि इस कॉलेज में गुज़श्ता चार बरसों से असाज़ा और तलबा की जानिब से 400 से 500 तक की मिट्टी की गणेश मूर्तियां बनाई जाती हैं, जिसे गणेश त्यौहार में फरोख्त करके इससे मिलने वाली रकम से इस कॉलेज के गरीब तलबा की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईटी भारत के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद अक्की की रिपोर्ट।